मुरादाबाद जनपद के नगर पंचायत अगवानपुर मोहल्ला शांति नगर में वर्षा होने के बाद स्थानीय नागरिकों का यहां जीना दुभार हो चुका है। जल भराव के साथ गंदगी की वजह से आए दिन यहां पर महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे चोटिल होते हैं। कई बार संबंधित विभाग को शिकायत हुई, समस्याओं का समाधान लेकिन नहीं हुआ। अगवानपुर नगर पंचायत में तेजी के साथ विकास कार्य हो रहे हैं, मगर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विकास कार्य ना के बराबर है, जिसके बाद स्थानीय नागरिक विरोध कर रहे हैं। नगर पंचायत के शांति नगर पेपर मिल के पास काफी समय से सड़क टूटी हुई है, गहरे गड्ढे आए दिन हादसों को दावत देते हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो काफी दिन से खराब चल रहा है, जब बारिश हो जाती है तो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आना जाना पानी भर जाता है यहाँ। इसकी कभी शिकायत की किसी से? शिकायत तो हो जाती है, लेकिन फिर वही मिट्टी उट्टी डल जाते हैं, फिर बारिश में मिट्टी इधर उधर बह जाती है, फिर वैसे ही हो जाता है। निकलने में इसमें परेशानी तो है बच्चे? हाँ, निकलने पढ़ने की तो बहुत परेशानी रहती है। स्कूल में छोटे बच्चे जाते हैं इधर? स्कूल में भी बच्चे जाते हैं इधर, उन्हें भी काफ़ी दिक्कत होती है। ये रोड PWD का या फैक्ट्री का? ये तो हमें नहीं पता है कि PWD का है या फैक्ट्री का है। समस्या सड़क की है, चूँकि फैक्ट्री से यूज करती है और सारा ट्रैफिक फैक्ट्री का चलता है, सारी सड़क टूट गई है, लेकिन रिपेयरिंग नहीं कराती है, कोई कंस्ट्रक्शन इस पर नहीं होता है। और यहाँ के क्षेत्रवासियों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ एक विद्यालय भी है, एक मंदिर, दो मंदिर भी हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, बच्चे भी रोज गिरते हैं पानी में, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ये रोड PWD का या फैक्ट्री का? भाई रोड किसका है ये तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि फैक्ट्री यूज करती है तो फैक्ट्री को इसकी मरम्मत करनी चाहिए। तो पूरा इस्तेमाल फैक्ट्री का है। कभी आपने शिकायत की फैक्ट्री मालिक से? कई बार इसको शिकायत की गई, लेकिन कोई काम नहीं किया गया इस पर। कई लोग कई बार जाके मिलते हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता है। कॉलोनी वासियों ने कभी अधिकारी को अवगत कराया इसके लिए? कॉलोनी वासियों ने अधिकारी को तो अभी तक अवगत नहीं कराया है, अब अभिनव गुप्ता जी के माध्यम से इसको अवगत कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष अभिनव गुप्ता ने बताया कि वो शांति नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 में लगता है और आज इसके हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। यहाँ की सड़कें टूटी हैं और बारिश होने के बाद जल भराव जैसी समस्या है। स्थानीय नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन से हमारी मांग है कि यहाँ की समस्या का समाधान हो। जो समस्या है आज की, अभी की समस्या इस सड़क की है। वार्ड 1 में फैक्ट्री जो कॉलोनी है, फैक्ट्री चौराहे के पास सड़क की आप हालत देख रहे हो, कितनी बुरी सड़क की हालत हो रही है। यहाँ स्कूल भी है, स्कूल के बच्चे आए दिन इसमें गिरते हैं। यहाँ श्रद्धालु भी, मंदिर भी हैं, वो लोग भी आते जाते हैं। और अभी कुछ दिनों बाद सावन भी शुरू होने वाला है, कांवड़ियों को आने आने में काफ़ी दिक्कत होगी और लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है। इस दिक्कत को कई बार जो मिलका प्रशासन है इससे भी हम बोल चुके हैं, पर इस पर कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है कार्रवाई होना। किसी बड़े हादसे का अभी प्रशासन, जो मिल प्रशासन है, उसको इंतजार है कि कोई बड़ा हादसा यहाँ हो। आए दिन दिक्कत परेशानी का ये जो मतलब वो बन रहा है, इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मैं आपके सीडी चैनल के माध्यम से मिल प्रशासन को और उनसे ऊपर जो अधिकारी हैं उनको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जल्दी जल्द ये कब से इस तरीके की हालत में, इस तरह की दिक्कत काफ़ी दिनों से देखी जा रही है। वो कहते हैं PWD की है, वो कहते हैं पेपर मिल की है। हम DM सर को इसका ज्ञापन भी देकर आए हैं और कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं सीधे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री से हम मिलने जा रहे हैं कुछ समय बाद। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था और SDM को इसके लिए कहा था कि SDM साहब इसकी जांच करेंगे। मुख्य मांगे यही थी हमारी, जो आम लोगों की मांगे हैं, आम पब्लिक जिससे